पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अकाउंट मैच्योर होने से पहले भी आपको विड्रॉल की सुविधा मिलती है। पीपीएफ का अकाउंट 15 साल के बाद में मैच्योर होता है और उस समय आपको पूरा पैसा मिल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। पीपीएफ के अंदर अकाउंट खुलवाने के 6 साल बाद से आपको विड्रॉल की सुविधा मिल जाती है। यदि आपने 31 मार्च 2017 से पहले अकाउंट खुलवा रखा है तो 1 अप्रैल 2022 के बाद में आपको विड्रॉल की सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। इससे पहले यदि आपको पेमेंट लेना है तो आपको यहाँ पर लोन की सुविधा मिलती है, तो आप हमारा पीपीएफ लोन वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपने 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में कभी भी अकाउंट खुलवाया है तो आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद से विड्रॉल की सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि पीपीएफ के अंदर कितना अमाउंट का विड्रॉल आप ले सकते हैं। तो इस पीपीएफ अकाउंट में जिस साल आप विड्रॉल करना चाहते हैं उसके जस्ट 1 साल पहले और उसके 4 साल पहले आपके खाते में जो बैलेंस था उसमें से जो भी कम होगा उस बैलेंस का आपको 50% यहाँ पर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी अकाउंट ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 तीन 2017 के बीच में है तो आपका 31 तीन 2019 को जो बैलेंस होगा या 31 तीन 2022 को जो बैलेंस होगा उसमें से जो भी कम बैलेंस आपका होगा उसका आपको 50% यहाँ पर मिल जाएगा। इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके अकाउंट ओपनिंग डेट 25 सितंबर 2016 है तो उसका पहला वित्त वर्ष 31 तीन 2017 को पूरा होगा। इसी प्रकार से दूसरा 2018 में, फिर 2019 में तीसरा साल, फिर 2020 में चौथा साल और 2021 में पांचवा और छठा साल 2022 में 31 मार्च को हो जाएगा। तो यदि आप 1 अप्रैल 2022 के बाद में इस खाते में विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको 31 तीन 2019 को जो आपका बैलेंस था एक तो उसको देखना होगा और साथ में 31 मार्च 2022 को जो बैलेंस होगा उसको भी देखना होगा। दोनों में से जो भी कम बैलेंस होगा उसका 50% आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि 31 तीन 2019 को यदि 1 लाख रुपये आपका जमा है और 31 तीन 2022 को यदि 2 लाख का बैलेंस है तो आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। बैलेंस के अंदर आपके जमा राशि के साथ में ब्याज को भी जोड़ा जाता है। वैसे जब भी आप पीपीएफ विड्रॉल लेना चाहें तो आपको सीधा पोस्ट ऑफिस में संपर्क करना चाहिए और वहाँ पे जो भी अमाउंट सिस्टम के द्वारा बताया जाता है वो आप आसानी से भर सकते हैं। यदि आपका अकाउंट इससे पहले खुला है तो भी आप इस हिसाब से कैलकुलेट आराम से कर पाएंगे। यदि आप पीपीएफ के अंदर एक गोल लेके चल रहे हैं कि आपको एक अच्छा अमाउंट लास्ट में मिले तो आपको विड्रॉल लेने से बचना चाहिए। क्या आप शेयर मार्केट को आसान भाषा में समझकर पैसा बनाना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले नियम की। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आप केवल एक ही विड्रॉल यहाँ पर कर पाएंगे। यदि आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया है यानी कि 15 साल के बाद में भी आपने अकाउंट को जारी रखा है तो उस कंडीशन में आपको सालाना एक विड्रॉल यहाँ पर अवेलेबल होगा और वह आपका लास्ट अमाउंट का मैक्सिमम 60% हो सकता है। चूंकि ये एक विड्रॉल होता है तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार का विड्रॉल पर कोई ब्याज नहीं देना होता है, बस आपका बैलेंस जो है वह पीपीएफ के अंदर कम हो जाता है और उसी हिसाब से आपका ब्याज आपको फिर कम मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।